नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। आगामी 23 जून को बिहार में विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है। सीएम नीतीश कुमार 2024 के पहले यानी साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले जिस विपक्ष एकता की मुहिम में लगे हुए हैं, जो जिस विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं, इससे पहले सीएम नीतीश कुमार को बार बार झटका लग रहा है। पहले जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इतना ही नहीं, हम यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने खुद को महागठबंधन से अलग कर लिया, तो अब बारी कांग्रेस की है। बता दें कि बिहार कांग्रेस में प्रवक्ता है कुंतल कृष्णा, इन्होंने अब कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और इल्ज़ाम ये लगाया है कि सीएम नीतीश कुमार जो है वो लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं, जनता के बारे में नहीं सोचते हैं, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। तो देखिए, 23 जून वो दिन है जिस दिन बिहार में एक बड़ी बैठक होने वाली है और सीएम नीतीश कुमार ने जो सपना देख रखा है, यानी विपक्षी एकजुटता का जो सपना देख रखा है, उसकी जो पहली मीटिंग है वो 23 तारीख को होने वाली है। और इस मीटिंग से पहले नीतीश कुमार को बड़े बड़े झटके भी लग रहे हैं। पहले जीतन राम मांझी और अब कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के प्रवक्ता ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। बिहार में नीतीश सरकार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार को एक और झटका लगा है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन के मंत्री पद से इस्तीफे पर सियासत अभी थमा भी नहीं कि कांग्रेस प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कुंतल कृष्ण ने सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस के तेज तर्रार प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्णा ने शनिवार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा का ऐलान किया। कांग्रेस ने 2014 में सिवान के महाराजगंज उपचुनाव में कुंतल कृष्णा को टिकट दिया था, हालांकि वे हार गए थे। पार्टी को अलविदा कहते हुए कुंतल कृष्णा ने नीतीश कुमार के नेतृत्व का विरोध किया। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार ने हमेशा कांग्रेस का विरोध किया है, वहीं कांग्रेस ने नीतीश कुमार के आगे आत्मसमर्पण कर दिया है। पटना में 23 जून को विपक्षी दलों की महाबैठक से पहले प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्णा के इस्तीफे से कांग्रेस में भी खलबली मच गई है। बता दें कि एक तरफ नीतीश कुमार के विपक्ष के सभी दलों को भाजपा के खिलाफ एकजुट करने में जुटे हैं, वहीं उनके अपने खेमे में ही दरार पड़ रही है। तो देखिए, जहां एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री यानी नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके ही महागठबंधन में दरार पड़ते हुए दिख रहा है। जहां एक तरफ सीएम नीतीश कुमार विपक्ष को एक मंच पर ला रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके ही महागठबंधन के लोग उन्हें छोड़कर भागते नजर आ रहे हैं। पहले जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। फिर जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार पर इल्ज़ाम लगाते हुए उनके ऊपर हमलावर भी हुए और खुद को यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को महागठबंधन से अलग कर दिया। और अब कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं कुंतल कृष्णा, उन्होंने कांग्रेस से खुद को अलग कर लिया और ये कह दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो विपक्ष एकजुटता की मुहिम है वो सही नहीं है और नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल उठाया है। तो क्या सीएम नीतीश कुमार ने जो सपना देख रखा है 2024 वाली, वो सपना उनका पूरा होगा, क्योंकि 23 जून से पहले इन्हें महा झटका लग रहा है। फिलहाल तो इस खबर में बस इतना ही, और भी वीडियोज और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन।